नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं स्टीम ओएस अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो आपको स्टीम ओएस इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको ब्राउजर खोल लेना है, कोई भी जल्दी ओपन हो जाओ। गूगल को नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसीलिए साला इतना देर लगा इसको खुलने में। तो गूगल क्रोम खुल चुका है और अब हमको टाइप करना है यहाँ स्टीम ओएस। तो बेसिकली टाइप करना है स्टीम ओएस, और स्टीम ओएस जब टाइप कर देंगे तो बेसिकली स्टीम ओएस का वेबसाइट खुल जाएगा। तो जो वेबसाइट नहीं खुलेगा, मतलब सर्च रिजल्ट आएगा। तो जो भी है, तो यहाँ पे store.steampower.com/steamOS जो है फर्स्ट वाला लिंक, इसी को आपको खोलना है। ये इस वेबसाइट पे आपको ले आएगा, और इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे बेसिकली बिल्ड योर ओन मशीन पे क्लिक करना है, ना कि बिल्ड एंड सेल मशीन पे क्लिक करना है। तो बिल्ड DIY बिल्ड योर ओन मशीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, जो भी है उसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे SteamOS इंस्टॉलेशन का क्या कहते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, फाइल डाउनलोड कर लेना है। जो भी है यहाँ पे डाउनलोड का देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिएगा ना तो ISO फाइल डाउनलोड होगा। तो उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद बेसिकली आपका USB इंसर्ट कर रहा है। इसके बाद थोड़ा इजी प्रोसेस है। उसके बाद उस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, जैसे ये ड्राइव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट जो कर रहा है ना, तो जो फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम NTFS दिखा रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ NTFS, इसको कैसे भी करके आपको FAT32 में फॉर्मेट करना है, ठीक है। FAT32 में वेबसाइट पे लिखा हुआ है, FAT32 में, उसको FAT32 में आप कैसे भी करके फॉर्मेट कीजिएगा, आप कैसे भी करके कीजिए, लेकिन कीजिए। और उसके बाद आपको करना यह है कि जब उसको FAT32 में फॉर्मेट कर दिए, तो जो फाइल आया है जिप फाइल, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा डेस्कटॉप पे। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस जो फाइल वो जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस सारा फाइल्स को आपको कॉपी कर देना है उस ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो उस सारा फाइल्स को अगर आप ड्राइव के अंदर कॉपी जब कीजिएगा, तो उसके बाद बेसिकली उसको जो, एक बात याद रखिएगा, उसके पूरा का पूरा फोल्डर नहीं कॉपी कीजिएगा, उस फोल्डर के अंदर का जो कंटेंट है उसको कॉपी कीजिएगा। उसके बाद जो है बेसिकली आपको रिबूट करना है, मतलब सिस्टम को ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस सिस्टम ऑफ करने के बाद बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जो है सो बेसिकली जो है सो अपने सिस्टम को बंद कर चुके हैं। मेरा डेल का लैपटॉप है और ये रहा मेरा USB बूटेबल USB। और एक्चुअली में आप चाहे तो हम मेमोरी कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, आप भी चाहे तो मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं इन केस आपके पास अगर पेन ड्राइव नहीं है तो, ठीक है। तो उसको करना ये है कि आपको किसी पोर्ट में लगा देना है। बेसिकली देखिए, हम इस पोर्ट में लगा रहे हैं। अरे यार, एक हाथ से करने में दिक्कत हो रहा है। तो बेसिकली किसी पोर्ट में लगा देना है, चार्जिंग में लगा देना है, चार्जिंग मस्ट होना चाहिए। अगर चार्ज लाइन है तो तभी जो है सो, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तभी जो है सो ये काम करे। मेरा है या नहीं, मेरा कट चुका है। तो बेसिकली उसके बाद आप कीजिए कि बूट कीजिए। तो बूट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, क्या कहते हैं कि मतलब आप में जो है बायोस में कैसे जाते हैं, बेसिकली बूट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कैसे जाते हैं, उसका एक की होता है। मतलब वो एक बूट करते समय उसको दबाने, जैसे ही पावर बटन दबाए ना, उसको दबाना शुरू करना पड़ता है, ठीक है। दबाते रहिए जब तक वो आने जाता है। तो ये हर एक सिस्टम का अलग होता है। बेसिकली डेल का पहले पासवर्ड डाल लेते हैं। तो डेल का जो है सो F12 है, देखिए F12 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा। F12 प्रेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा, देखिए सॉरी, एक्चुअली में हम तुरंत प्रेस करना था, नहीं किए, तो इसलिए आपको तुरंत प्रेस करना पड़ता है। अगर तुरंत प्रेस नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। फिर से डालना पड़ेगा पासवर्ड, तो A3C।
तो तुरंत 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 ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं, यहाँ लीगेसी बूट है और UEFI बूट है। तो बेसिकली स्टीम OS इंस्टॉल करने के लिए आप में UEFI बूट जो है सो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो UEFI बूट ऑन होना चाहिए। अगर आपको चेंज करना है बूट ऑर्डर तो बेसिकली ये चेंज बूट ऑफ मोड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मेरे में तो पासवर्ड मांगेगा, आप में नहीं मांगेगा, क्योंकि हम पासवर्ड लगा के रखे हैं ना हर जगह, इसलिए। तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं UEFI बूट सिक्योर बूट ऑफ है और सिक्योर बूट ऑन है, ठीक है। तो सिक्योर बूट ऑफ आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली मेरा अब UEFI बूट एक्चुअली में कहने का मतलब ऑफ है, मतलब कहने का मतलब अभी मेरा UEFI सेलेक्टेड नहीं है। तो आपको विश टू प्रोसीड यस पे कर देना है, अप्लाई चेंजेस यस पे कर देना है। बेसिकली ये डेल लैपटॉप का है, हर एक लैपटॉप में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है सो आप कैसे भी करके यही करना है आपको जो कर रहे हैं। उसके बाद अप्लाई कर दिए तो ये बेसिकली रिबूट होगा, अपने आप रिबूट हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन आपको एक चीज और करना है कि फिर से एक बार बायोस में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बायो सेटअप पे क्लिक करना है। बायोस खुल गया। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे में माउस पॉइंटर है, यहाँ पे बूट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये फिलहाल लॉक्ड है, इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। अरे इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया। हाँ तो हो गया अनलॉक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है सो UEFI सेलेक्टेड है। अभी हम UEFI किए थे सेलेक्ट, इसलिए UEFI है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव सब होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा हार्ड ड्राइव होगा, तो सबको अनचेक कर दीजिएगा, सिवाय यू जेनेटिक मास स्टोरेज। आपका पेन ड्राइव लगा होना चाहिए या जो भी मेमोरी कार्ड है, कार्ड ड्राइव सो भी लगा होना चाहिए। तो सबको डिस अति सबको जो है सो फिलहाल के लिए अनटिक कर दीजिए, और इसको खाली जेनेटिक मास्टर स्टोरेज या फिर ऐसे करके कुछ जो स्टोरेज का होगा उसको टिक करके रखिए, ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं, जब ये हो फिलहाल हम यहीं तक बताते हैं। उसके बाद उसको इसको टिक करने के बाद जो है सो यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और फिलहाल हमको चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा UEFI है और सिंगल जो है सो यहाँ पे। आपका अगर दो तीन हो तो सबको अनसेलेक्ट कर दीजिएगा और इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली बूट सीक्वेंस है कि मतलब आप जो है सो किस चीज़ से बूट करना चाहते हैं, ठीक है। USB स्टोरेज जनरली वहाँ पे भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, सीधे बूट ऑप्शन जहाँ से चेंज किए, लेकिन UEFI में जनरली शो नहीं करता है। पता ही क्यों नहीं शो करता है, लेकिन जनरली UEFI में शो नहीं करता है और दूसरे में शो करता है, जैसे कि लीगेसी बूट। देखिए लीगेसी बूट में जो है सो यहाँ पे हम सिरा इंटरनल HDD लगाए हुए हैं, ठीक। तो कहने का मतलब कि आप जब ये जब आपका जो प्रोसीजर ख़त्म हो जाए, जब क्या कहते हैं स्टीम OS ड्यूअल बूट में चला जाए, आप ग्रब इंस्टॉल कर लें, तो बेसिकली आपको UEFI से फिर से इसी बायोस में आना है और UEFI से लीगेसी सेलेक्ट करना है और सबको अनचेक कर देना है। USB स्टोरेज, CD ड्राइव, सबको अनचेक करके यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल HDD पे क्लिक करके अप्लाई पे कर देना है, ठीक है। तो ऐसे में होगा कि जब आपका सिस्टम क्या कहते हैं, जब आपका पार्टीशन मतलब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो हार्ड डिस्क से बूट करेगा, ना कि आपके पेन ड्राइव से, ठीक है। तो समझ गया ना बात, कि मतलब पहले आपको UEFI यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मास स्टोरेज शो कर रहा होगा, हो सकता है आपका हार्ड डिस्क भी शो कर रहा होगा अगर आप पहले से कर रहा हो। वैसे ये जनरली एंटर करना पड़ता है, ये बूट ऑप्शन ऐड करना पड़ता है। लीगेसी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन UEFI में आपको ऐड करना पड़ता है। तो हम बाकी सबको डिलीट करके रखे हुए, इसलिए मेरे में नहीं आ रहा है, लेकिन आप में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो सबको अनचेक कर दीजिएगा और UEFI जेनेटिक मास स्टोरेज को सेलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। और UEFI करके अप्लाई कर दीजिएगा उस समय जब आपको क्या कहते हैं अथी करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको बोलेगा USB स्टोरेज निकाल देने के लिए, तो आप USB स्टोरेज निकाल दीजिएगा बेसिकली। और उसके बाद आप लीगेसी पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे सिर्फ सबको अनचेक करके इंटरनल हार्ड HDD पे कर दीजिएगा। उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा और एग्जिट हो जाइएगा, ठीक है। फिलहाल UEFI रहने देते हैं।
मेरा ऑलरेडी UEFI सेलेक्टेड है, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं, तो उसके बाद ये रिबूट करेगा बेसिकली। तो बेसिकली मेरे पासवर्ड मांगा है, एंटर किए और जैसा कि आप देख सकते हैं आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया, बाकी सबको अनचेक करने के बाद आ जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल तब करना है जब आप पूरे हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ SteamOS रखना चाहते हैं। हाँ, ये तो हो गया भाई जी कि मतलब SteamOS इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेकिन हम ये बताएंगे कि SteamOS 2.0 जो कि अभी बीटा वर्जन है उसको इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि आपका बैंड बच जाएगा अगर आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो। इस बहुत सारा बग्स है, मेरे में इतना बग्स है, मतलब मेरे में तो चलता ही नहीं है, कहने का इतना बग्स है कि फ्लिकर करता है स्क्रीन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लगता है, पता नहीं क्यों, इतना सारा बग्स है। और इंटेल CPU को ये AMD की तरह दिखाता है कमाल है ये तो कहने का मतलब कि अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, अगर आपका स्टेबल वर्जन है तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन बीटा वर्जन ना करें तो बेहतर होगा, बहुत ही ख़राब है SteamOS का बीटा। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल कीजिए तब क्लिक कीजिएगा जब आपको पूरा का पूरा डिलीट करना हो, मतलब पूरा का पूरा कहने का मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सीधे डिलीट करना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए इंग्लिश, उसके बाद कंटिन्यू, और यहाँ पे बेसिकली आपको कंट्री सेलेक्ट करना है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद कीबोर्ड टाइप करना है तो मेरा अमेरिकन इंग्लिश होगा, आपका भी शायद यही हो सकता है। उसके बाद ये हार्डवेयर डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली, डिटेक्टिंग हार्डवेयर, तो करने दीजिए, तब तक वेट करते हैं भाई जी। आप इस वीडियो को क्या कहते हैं उसको, आगे भी कर सकते हैं, यहाँ वीडियो काट देते हैं आगे जब विंडो लंबा हो जाएगा, नहीं तो जब आपका वो हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। ये बेसिकली ये बताने के लिए बोलेगा कि मतलब आप UEFI मोड में जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिख रहा है एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कहने वाले डिटेक्ट कर चुका है कि इसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको बेसिकली नो पे क्लिक करना है, यस पे नहीं, नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आ जाइए और क्लिक कर देना है, उसके बाद जो भी है स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आता है मेन पार्टीशन का, तो बेसिकली यहाँ पे पार्टीशन सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे सब चीज़ ठीक ठीक शो नहीं कर रहा है, देख रहे होंगे उल्टा सीधा सब पार्टीशन शो करना है, तो आपको यहाँ पे गो बैक पे सेलेक्ट करना है, गो बैक, और यहाँ पे जाना है पार्टीशन डिस्क पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से ओके कर देना कंटिन्यू, और अब देखिए मेरे में पार्टीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे में एक ये 473 GB का जो है सो अनयूजेबल दिखा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि मेरा ऑलरेडी लैपटॉप ड्यूअल बूट में था, हम ट्रिपल बूट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब तीन तीन सॉफ्टवेयर डाल चुके हैं एक साथ, तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अगर आपको जानना है कि कैसे तीन तीन ऑपरेटिंग चार चार कितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो होगा, जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे में ऑलरेडी दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 है और उबंटु है, तो इसलिए जो है सो एक हार्ड डिस्क में मैक्सिमम चार पार्टीशन ही क्रिएट किया जा सकता है, और जो कि दोनों ड्यूअल बूट किए तो उसमें ऑलरेडी यूज हो गया पहला, जो क्या कहते हैं सौ पार क्या बोलते हैं यार उसको, विंडोज 10 का अपना जो है सो हार्ड ड्राइव एक पार्टीशन, उसके बाद सिस्टम रिजर्व जो विंडोज 10 यूज करता है उसका अपना पार्टीशन, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट होता है उबंटू का अपना एक पार्टीशन और एक फ्री स्पेस, टोटल चार पार्टीशन ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पे अन्य जो है सो बेसिकली उससे ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप पार्टीशन सब पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर आप में ट्रिपल बूट करना है तो, ठीक है। तो अनयूजेबल दिखा रहा है, तो बेसिकली जो अगर आप लिनिक्स किए हुए हैं ना पहले से, आपके पास अगर लिनिक्स है तो उसको श्रिंक कीजिए, ठीक है, उसको श्रिंक करके जो उसमें न्यू वॉल्यूम सेलेक्ट जो फ्री स्पेस दिखा रहा है ना, तो ऐसे ही फ्री स्पेस दिखाएगा अगर उसको श्रिंक कीजिएगा तो बेसिकली उसी मेरे में ऑलरेडी जो 50 GB वाला है फाइल ये जो दिख रहा है आपको, और ये 2 GB ये इसमें SteamOS ऑलरेडी इंस्टॉल है,
हम आपको दिखाने के लिए दोबारा से जो है सो कर रहे हैं, लेकिन हम इंस्टॉल करेंगे नहीं एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब कि ये जो है, अगर आपको नया पार्टीशन करना है तो फ्री स्पेस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्पेस देना है इसको, ठीक है, कितना भी जीबी देना है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं ना 10 जीबी, वैसे हम करेंगे नहीं क्रिएट, मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पार्टीशन उसके बिगनिंग से सेलेक्ट करना है, एंड से ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, बिगनिंग एंड कुछ भी आप, हम अपने केस में बिगनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद बेसिकली पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद डन सेटिंग आप पार्टीशन पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे करके जो है सो करते जाएगा ना तो पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पार्टीशन डिस्क से पहले आपको ये तो पार्टीशन 10 जीबी का सेलेक्ट कर लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक पार्टीशन और बनाना पड़ेगा, वो है 100 पार्टीशन। तो देखिए क्रिएट न्यू पार्टीशन किया ना, पहले हम उल्टा बता दिए वैसे एग्जैक्टली, तो आपको पहले जो है सो 100 पार्टीशन क्रिएट करना है, उसके बाद जो है सो 10 जीबी वाला पार्टीशन जो हम क्रिएट किया उसको क्रिएट करना है। तो हम अपने केस में 100 पार्टीशन 2 जीबी ले लेते हैं, 2 जीबी 3 जीबी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या 4 जीबी जितना जनरली रहता है, और उसको डन सेटिंग और पार्टीशन करके उसके बाद कंटिन्यू ऐसे करके देखिएगा तो हो जाएगा पार्टीशन क्रिएट। उसके बाद बैक जाइए और इसके बाद इंस्टॉल बेस सिस्टम पे जाइए और ऐसे करके कीजिएगा ना तो आगे इंस्टॉल हो जाएगा आपका सिस्टम, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद इंस्टॉल सिस्टम पे, उसके बाद कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर करें, आप में बेसिकली जो है सो या तो आप ड्यूअल बूट कर रहे होंगे या तो आप बेसिकली स्टीम में सिंगल इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो कहने का मतलब ऐसे केस में सिंगल इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको आराम से हो जाएगा। ड्यूअल बूट में होता है ये कि आपको ग्रब इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, इजी है। ट्रिपल बूट में आपको ग्रब ऑलरेडी से इंस्टॉल होगा और उसको फिर से इरेज करने के लिए बोलेगा, तो आप चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं, कि मेरे केस में हम कस्टमाइज किए हुए थे ग्रब को तो हम करना नहीं चाहते थे, तो उस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ट्रिपल बूट, तो ट्रिपल बूट की बात नहीं करेंगे, जनरली ड्यूअल बूट तक ही रहने देते हैं। ट्रिपल बूट अगर आपको जानना है कैसे करना है तो मेरा अदर वीडियो है, मतलब ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका टाइटल कुछ इस तरीके से होगा कि रन एट ओपनिंग सिस्टम एट द सेम टाइम ऑन द सेम हार्ड डिस्क ऐसे करके कुछ होगा, तो इसी तरह का कोई टाइटल लोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं वीडियो, लेकिन कर देंगे जनरली, क्रिएट कर चुके हैं वैसे वो वीडियो, बहुत सारा वीडियो क्रिएट कर देते हैं, अभी 4 वीडियो 5 वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं लेकिन अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि एडिट करना पड़ता है, एडिट करना हमको झंझटिया काम लगता है, तो जो भी हो बनाने में तो आसान है। हाँ, तो जो भी हो उसके बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। हम अपने केस में आप अपने सिस्टम को हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको करना यह है कि आपका ये पेन ड्राइव जो भी है, हार्ड डिस्क जो भी है, ये आपका इसको निकाल देना है। रे बाप रे बाप रे, अरे निकल गया, इसको निकाल देना है और आपको फिर से जो है सो पावर बटन दबाना है और फिर से F12 दबाते जाना है, ठीक है। आपके अगर आपके केस में F12 है तो डेल का लैपटॉप है, तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद एंटर मार दिए, उसके बाद F12, उसके बाद आपको जाना है बायोस सेटअप पे। हम बताए थे ना जो पहले प्रोसीजर हम ऑलरेडी बता चुके हैं वही हम दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बूट सीक्वेंस पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे UEFI मेरा अनलॉक करते हैं, पहले मेरा अनलॉक नहीं है क्योंकि पासवर्ड लगा के रखे हैं, और तो आप में कुछ इस तरीके का दिखेगा। बेसिकली UEFI सेलेक्टेड यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हम ड्राइव निकाल चुके हैं USB वाला, आप में यहाँ पे हार्ड डिस्क होगा, तो अगर आप USB निकाल दीजिएगा तो UEFI में अगर आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क का शो कर रहा है तो बेसिकली वो ऑटोमेटिक बूट ले लेगा हार्ड ड्राइव से, ठीक है। अगर नहीं है तो लीगेसी पे क्लिक कीजिए और इंटरनल हार्ड डिस्क पे टिक कर दीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं लीगेसी में, तो लीगेसी में इंटरनल हार्ड, बाकी सबको अनचेक कर दीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, ये रिबूट करेगा, आप रिबूट करने देते हैं।
अरे पासवर्ड मांग गया फिर से। ये पूरा हम एकदम एक्सप्लेन करके प्रोसीजर बता रहे हैं, इसलिए लंबा हो रहा है वीडियो। हाँ तो देख सकते हैं मेरे में ये जो है, इसी को ग्रब बोलते हैं बेसिकली। हम देख सकते हैं आप मेरे में तीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप बेसिकली अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, स्टीम ओएस किए हुए हैं तो आपका ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रब इंस्टॉल किए हुए हैं, मतलब ड्यूअल बूट में ऑलरेडी है, अगर सिंगल बूट है तो उसी के समय जो है आपको ग्रब इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, मतलब आप इंस्टॉलेशन के समय, और उसी समय आपको ग्रब इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब जिस समय आप स्टीम ओएस इंस्टॉल करिएगा, ग्रब इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो यस कीजिएगा, उसी समय आपको ग्रब इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा बेसिकली। और उसी समय जब आपको बोलेगा ग्रब इंस्टॉल तो यस कर दीजिएगा। अगर उसी समय बोला डबल तो ड्यूअल बूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्टीम ओएस आ जाएगा और जो पहले से था ओएस वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रिपल बूट में है, कहने का मतलब कि आप ये मैकबुक प्रो जो देख रहे हैं, एक्चुअली मैकबुक प्रो नहीं है, उबुंटू है, इसको हम नाम धर दिए मैकबुक प्रो, क्योंकि हम उबुंटू को कस्टमाइज करके पूरा मैकबुक प्रो बना दिए हैं। तो कहने का मतलब कि उसके बाद आप बेसिकली कीजिएगा ये कि क्या करना है। हाँ तो बेसिकली आपको उबुंटू में, अगर आप पहले से उबुंटू किए हुए हैं तो उबुंटू में जाना है। अगर आप ड्यूअल बूट कर रहे हैं तो इजी है कि मतलब आपको जो है ऑलरेडी यहाँ पे शो कर देगा, आपको जब आप मतलब इंस्टॉलेशन के समय जब आप ड्यूअल बूट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर शो कर देगा कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप में अगर आप ऐसा नहीं किए हैं, आप ट्रिपल बूट करने वाले हैं, ट्रिपल बूट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे केस में ऑप्शन हम बता ही देते हैं। आप जो है सो कोई जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रब इंस्टॉल है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कीजिए। मेरे केस में मैकबुक प्रो यानी कि उबुंटू का ग्रब है, ये देख सकते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और बेसिकली ये बूट अप हो जाएगा। होने देते हैं, उसके बाद जब हो जाता है तब हम आपसे बात करते हैं।